दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल कृष्णा फैंटेसी में। एंड आज हम बात करेंगे वुमेन अफ्रीकन T20 गेम्स के बारे में, जो कि यहाँ से खेला जाएगा साउथ अफ्रीका वुमेन वर्सेस युगांडा वुमेन के बीच। दोस्तों ये मैच आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रंप प्लेयर होने वाले जिनका सिलेक्शन जो है वो ना के बराबर है, और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन भी करवा देंगे। कौन से वो प्लेयर होने वाले, साथ ही साथ में कौन सा बैट्समैन कब बैटिंग करेगा, कौन सा बॉलर कब बॉलिंग करेगा, सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा फैंटेसी, आप देख सकते हो। दोस्तों इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप सभी भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी से आइए, लिंक पे क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस मैच से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा वो टॉस के बाद आपको टेलीग्राम पे ही देखने को मिलने वाला है। अगर मैं आपको रीसेंट मैचेस का रिजल्ट भी बताऊँ तो आप खुद देख सकते हो, लगातार हमने हर मैचेस में यहाँ पे क्लीन स्वीप ही करा है। दोस्तों अगर बात करें इस मैच के लिए हमारी टीम के बारे में, तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी भाई नए हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ अब तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी आपने कर दिया होगा। चलिए अब बात करें हमारी टीम के बारे में, तो विकेट कीपर में अवीनो का सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है, बट यार देखो इनका बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे रहता है तो इनको आप ड्रॉप करके चल सकते हो। के मैसो के बारे में बात करें, सेम दोस्तों इनका बैटिंग ऑर्डर भी काफ़ी नीचे रहता है, लास्ट रन में 0 रन पे आउट हो गए, उससे पहले अगर मैं बात करूँ 3 रन पे आउट हो गए दोस्तों, तो बैटिंग ऑर्डर इतना नीचे रहता है कि मुझे लगता है आप इनको ड्रॉप करने का रिस्क लेके चल सकते हो। हालांकि सिलेक्शन ज़्यादा है बट इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा। देखो विकेट कीपर में ऑप्शन काफ़ी, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन होने वाला है ना वो यहाँ से सिमोन लॉरेंस का होने वाला है, ये आपको नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए नजर आएगी दोस्तों, प्लस ये एज ए विकेट कीपर खेलेगी तो आपको कैचेस वगैरह पकड़ के दे देगी, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। लास्ट मैच में जरूर 6 रन पे आउट हो गई, बट उससे पहले अगर आप इनका परफॉर्मेंस देखोगे 66 रन करे दोस्तों, 32 रन करे, 16 रन करे, तो रीसेंट परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, तो आप इनको अपनी टीम में लेके चल सकते हो। अब दोस्तों बैटिंग में बात करें, टूनी का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, ओपन करते हुए नजर आएगी। लास्ट मैच के बारे में बात करें, 45 रन की एक अच्छी इनिंग्स खेली और उससे पहले 29 रन भी करे थे, तो मुझे लगता है आप इनको लेके चल सकते हो, काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोस्तों जे बोता के बारे में बात करें दोस्तों, इंपॉर्टेंट होने वाली है, ओपन करते हुए नजर आने वाली है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, प्लस आपको कभी कभी बॉलिंग भी करवाते हुए नजर आ जाती है दोस्तों, वैसे हमेशा करवाती है। लास्ट मैच के बारे में बात करूँ, 0 रन पे आउट हो गई थी दोस्तों ओपन करते हुए। वहीं अगर मैं यहाँ से बॉलिंग से बात करूँ तो लास्ट मैच में बॉलिंग इन्होंने डाली नहीं, लेकिन उससे पहले बॉलिंग डाल के आ रही थी दोस्तों, और विकेट भी इन्होंने चटकाए थे, तो ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट होने वाली है। वहीं दोस्तों यहाँ से स्टेफन के बारे में अगर हम बात करें, नंबर 3 बैटिंग करते हुए नजर आएगी, लास्ट मैच में 15 रन पे आउट हो गई, उससे पहले 9 रन करे, फिर 9 रन करे, फिर 26 रन करे, और उससे पहले 51 रन करे, तो रन बनाने की काबिलियत है, परफॉर्मेंस दे सकती है। अगर आप ग्रैंडली खेल रहे हो तो भाई इसको जरूर रख लीजिएगा, आँख बंद करके आप स्मॉल लीग में भी लेके चल सकते हैं। वहीं दोस्तों अबुकोर के बारे में अगर हम बात करें, ओपन करते हुए नजर आएगी बट काफ़ी स्ट्रगल कर रही है, लास्ट मिनट में 21 रन करे दोस्तों, और वो 21 रन जो है 45 बॉल्स में करे दोस्तों, तो आप खुद ही देख सकते हो। उससे पहले 5 रन करे थे दोस्तों, वो भी 11 बॉल्स में करे थे, उससे पहले 29 रन करे, वो भी 48 बॉल्स में करे, तो काफ़ी स्ट्रगल कर रही है, तो इसलिए मैं इनको ड्रॉप करके चल रहा हूँ दोस्तों। बाकी यहाँ से देखिए स्मिथ का ऑप्शन होने वाला है, बट वही बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे नंबर 5 पे रहता है। लास्ट मिनट में 10 रन पे आउट हो गई, उससे पहले 12 रन करे, फिर 1 रन करे, तो रीसेंट में इतनी बड़ी इनिंग्स अभी कोई आई नहीं है, इसलिए मैं इनको ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी देखो कोई खास ऑप्शन नहीं है, मुझे लगता है 2 अच्छे ऑप्शन है बैटिंग में जिनको आप रख सकते हैं। ऑलराउंडर के बारे में अगर हम बात करें, नकासुई का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, ओपन करते हुए नजर आएगी। लास्ट मिनट में 57 रन करे दोस्तों, उससे पहले 17 रन इन्होंने करे, फिर 0 पे आउट हो गए। वहीं एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको बॉलिंग भी करवाते हुए नजर आने वाली है, और 8 विकेट इन्होंने अभी तक रीसेंट के 3-4 मैचेस में निकाल लिए, तो एक मस्त ऑप्शन है कैप्टनसी के लिए भी दोस्तों। यहाँ पे शंगास के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, नंबर 4 बैटिंग करेगी और लास्ट मिनट में 4 ही रन पे आउट हो गई, उससे पहले 4 रन अगर मैं बात करूँ यहाँ से उससे पहले के परफॉर्मेंस के बारे में, तो उससे पहले भी इन्होंने 4 रन ही करे थे दोस्तों। वहीं अगर मैं यहाँ से बात करूँ लास्ट मैच के बारे में, तो लास्ट मैच में 1 विकेट इन्होंने निकाला और उससे पहले 5 विकेट निकालते हुए आ रही है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप
इनको लेके चल सकते हो। बाजी के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, परफॉर्मेंस के बारे में बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा आपको नीचे नजर आने वाला है, बट बॉलिंग करवाएगी। बॉलिंग से लास्ट रन में एक विकेट निकाली, उससे पहले दो विकेट। लास्ट जो छः मैच इन्होंने खेले ना भाई, उन छः मैचेस में सभी मैचेस में विकेट निकालते हुए आ रही है, तो आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। वहीं दोस्तों ऐसे मूसा माली के बारे में अगर हम बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, नंबर चार आपको बैटिंग करते हुए नज़र आने वाली है, तो एक अच्छी ऑप्शन बन सकती है। लास्ट रन में तो हालांकि एक ही रन कर पाई दोस्तों, उससे पहले 13 रन भी करे, फिर 10 रन भी करे, 25 रन भी करे दोस्तों, 35 रन भी करे, बॉलिंग भी करवाती है। लास्ट पाँच मैचेस में अगर मैं बात करूँ दोस्तों, 7 विकेट बॉलिंग से निकाली है, तो एक अच्छी ऑप्शन है, आप इनको लेके चल सकते हो। रेनके के बारे में बात करें दोस्तों, लास्ट रन में सिलेक्शन कम था, मैंने आपको बताया था ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है और आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। सेम जिस भाई ने कैप्टन वाइस कैप्टन करा होगा, वन साइडेडली विन कर लिया होगा। लास्ट मैच के बारे में बात करूँ, 3 विकेट निकाले दोस्तों, उससे पहले इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था, बट उससे पहले डोमेस्टिक में विकेट निकालते हुए आ रही थी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप रख सकते हो। 5 आपके पास अच्छे ऑलराउंडर यहाँ से बन जाते हैं। बॉलिंग में बात करें, अवेको का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, लास्ट रन में 3 विकेट इन्होंने निकाले दोस्तों, उससे पहले 0 विकेट। लास्ट 6 मैचेस के बारे में अगर मैं बात करूं, 9 विकेट ये निकालते हुए आ रही है, तो एक अच्छी ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। वहीं दोस्तों एल जॉन्स के बारे में अगर हम बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, हालांकि लास्ट रन में कोई विकेट नहीं निकाल पाई दोस्तों, बट उससे पहले 2 मैचेस के बारे में बात करूं, तो वहां 3 विकेट इन्होंने निकाली थी। एस नायडू सेकंड इनिंग्स में आपके पास अच्छी ऑप्शन होने वाली है, रख सकते हो। लास्ट रन में 4 विकेट निकाले, स्पिन बॉलिंग करवाएगी तो विकेट निकाल लेगी, उससे पहले 0 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 1 विकेट, 2 विकेट, तो परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। वहीं दोस्तों यहां से विंस्टर के बारे में अगर हम बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, किस टाइप का आपको इनका परफॉर्मेंस नजर आने वाला है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं इंपॉर्टेंट। लास्ट रन में 0 विकेट निकाले, उससे पहले 2 विकेट निकाले, 4 विकेट, 2 विकेट, तो ऐसा इनका परफॉर्मेंस रहा है, मुझे लगता है आप इनको लेके चल सकते हो। वलाजा का ऑप्शन होने वाला है, लास्ट मैच में कोई विकेट नहीं निकाले दोस्तों, 0 विकेट निकाले, उससे पहले जो है कुछ मैचेस में बॉलिंग ही नहीं करवाई थी, तो आप ट्राई कर सकते हो, खासकर ग्राइंडिंग में यदि इनकी टीम पहले बॉलिंग करती है तो रखोगे तो ज़्यादा आपके पास इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों अगर आपको रखना है ना, तो लॉर्ना को अपनी टीम में रखिए, ये गेम चेंज करके दे सकती है, चाहे आप ग्राइंडिंग खेलो या स्मॉली खेलो। रीसेंट के हालांकि 5 मैचेस में सिर्फ 4 विकेट निकाल पाई है, बट यदि इनकी टीम पहले बैटिंग करती है ना युगांडा, तो जरूर रखना, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में विकेट आपको चटका के दे सकती है दोस्तों। बनेटी के यार ओवर वगैरह कटने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो मैं स्मॉल लीग में प्रेफर तो ज़्यादा करूंगा नहीं दोस्तों, ग्रैंड लीग में आप रख सकते हैं, बाकी कोई खास ऑप्शन नहीं है। फिलहाल मैं नायडू को और यहाँ से विंस्टर को लेके चल रहा हूँ। अब कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में अगर हम बात करें, नाकिसुई आपके पास मस्ट ऑप्शन है, क्योंकि अभी इनकी फॉर्म भी अच्छी चल रही है दोस्तों। आप चाहो तो यहाँ से संगासे को एज ए वाइस कैप्टन करके चल सकते हो अगर जाना चाहो, बट मैं यहाँ से बोथा को लेके चल रहा हूँ। फिलहाल ये हमारी टीम है, आप इसके साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी से आइए, लिंक पे क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, फाइनल टीम आपको वहीं मिलेगी। साथ ही साथ में अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कराया, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई।